कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो तैयारी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो पर आधार पर, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है हर समय चुनाव के लिए तैयार है, पार्टी भी चुनाव का हर समय मुद्दे पर तैयार है। इसलिए हमारी जो संगठन की निचली इकाई हमारी पूरी एकदम चुस्त और दुरुस्त है, हम उसके आधार पर चुनाव देश भर में जीते और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें। जहां तक आप गठबंधन की बात करें, वो कई प्रकार के गठबंधन आ, अभी अपना देखा उनका गठबंधन किस तरह से चकनाचूर हो रहा, ममता भी अलग हो गई, जयंत चौधरी भी अलग हो गए, सारे लोग उनके टूट रहे हैं। और जिस पीडीए की बात करते थे वो पीडीए में उनके विधायक ही बोल रहे हैं कि राज्यसभा में पीडीए का कहां चला गया, उनके पार्टी में भी कुछ देख रहे हैं तरह तरह की हो रही, कई लोग निकल चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, वो एक तरह से चकनाचूर है। कोई भी गठबंधन कितना भी कर ले भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, भाजपा 80 से 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ हो चुके हैं और ऐसा प्रत्याशी को क्या लगता है? प्रत्याशी कमल का फूल है, भाजपा का प्रत्याशी पूरे देश में कमल का फूल, हम उसके लिए सब कार्यकर्ता काम करेंगे। अभी पिछले पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देगी वो आ जाएगा, फूल लेके आ जाएगा, उसके साथ सब लोग ले जाएंगे। एनडीए गठबंधन से ब्रजेश सिंह के भी नाम की चर्चा चली, उसको लेकर क्या कहना है? एनडीए गठबंधन से देखो हमारी पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है वो आ जाएगा कमल का फूल लेकर उसके साथ। मंत्री जी, नासिकपुर में आपने भाजपा का केंद्रीय कार्यालय खोला, क्या माना जाए कि यहाँ पे भाजपा आएगी या गठबंधन आ सकता है? नहीं, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये स्पष्ट है, भाजपा लड़ेगी, बता दो भैया। अभी समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी की बात कर लो, समाजवादी पार्टी में तो टिकट भी दिया और टिकट बदल भी दिया।